लाहौल मतलब दक्षिण का देश, या बोल दो सफेद स्वर्ग। 2021 अक्टूबर में मैं यहाँ पहली बार आया और बस खो गया। वापस जाते वक्त मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं लौटकर फिर आऊंगा, और इसी वादे को पूरा करने के लिए मैं निकल चुका हूं। सफर की असली शुरुआत होती है मनाली से। रोड पर बर्फ होने के कारण एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही अटल टनल क्रॉस करके लाहौल जाने की परमिशन देती है। तो चलो देखते हैं हमारी 4x4 गाड़ी का सफर कितना रोमांचक रहा। यो भाई, पदम और राहुल के लिए ये बंदे -16 -18 डिग्री में इसके पीछे बैठ का है। शाम को 7:30 बजे जम गए हो भाई, तुम तो है ना। पैर सुन पड़ गया सॉन्ग। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने होम स्टे में, जो सिस्सू से लगभग 10 किलोमीटर आगे है। टेम्परेचर पता नहीं -16, -17, -18, -19, -20, आई कांट फील माई हैंड्स। और हाइट है लगभग 3300 मीटर के अराउंड। तो अभी हम जाते हैं और सबसे पहले अपने रूम में शरण लेते हैं। भाई इतनी एक्सट्रीम में राहुल और पदम ही आ सकते हैं, मेरे तो बिल्कुल बस की नहीं है। अच्छा रहा कि मुझे उन्होंने मुझे आगे बैठने दिया। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर हमारा हुआ देसी स्टाइल में वेलकम। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो यहाँ का लिविंग रूम है वो कैसा होता है। कुछ ऐसे दिखता है हमारा होम स्टे का कॉमन एरिया। ये ट्रेडिशनल लद्दाखी स्टाइल है, लाहौली स्टाइल। ये अपने पदम भाई, ये सचिन भाई और ये राहुल भाई। ये है चिमनी, चिमनी तो ये है, और ये गर्मी बनाए रखने के लिए तंदूर, पानी वानी गर्म होता रहता है। और ये हैं अपने सिंचैन भाई, जो अभी हमारा लद्दाखी स्टाइल में वेलकम करेंगे। देखो जी, ये क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है यहाँ का ना। अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। ये बेटर दूर है ना, ये एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मिलता है। जी जी जी, है ना। तो ये बिठल को हम सब जैसे अपने अपने हाथों में लेंगे पहले, तो आप अपनी मतलब अपनी उसमें इच्छा के साथ या अपनी गलतियों को माफी, ये वो जो कुछ भी आप बोलना है, तो उस वक्त जो अपने लोकल्स को ये अपने देवी देवताओं को थोड़ा सा पूछते हैं। मैं 3 बार वो करूंगा ना, आप 2 महीने वैसे शुर करके भी आएगा, शुर भी चलेगा, वैसे बस ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा करके बस 3 बार। देखो मैं करता हूं, ये अनाज है एक्चुअली ना, ये अनाज का बना है। मतलब शराब के साथ जब ये शराब का वो करेंगे पूजन होगा जैसे, तो आपने यहाँ से अनाज का भी थोड़ा सा हर उसके साथ ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी, ठीक है जी। शागुन बोलते हैं इसको, शागुन मतलब शगुन है। करो जी, 3 बार करना है ना, तो आप भी करो। जी 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 जी। अब इसको तंदूर में वो खाते हैं। यहाँ सब कुछ ओरिजिनलिटी है मतलब ना। आज भी जैसे आपके वहाँ जब कोई आते हैं तो टीका लगाते हैं जैसे ना, तो यहाँ टीका नहीं लगता है। यहाँ सबसे पवित्र माना जाता है मक्खन को। अच्छा, तो उस टीके की जगह मक्खन लगाते हैं। अच्छा। तंदूर है या अंगीठी है, जो भी है, ये गजब की चीज़ है। इसने पूरा रूम गर्म कर रखा था। जब हम ऊपर अपने रूम में गए तो हमारी फट गई थी। उसके बाद फिर हमने हमारा जैसे आपने देखा कि वेलकम हुआ, उसके बाद फिर हमने खाया खाना। उसकी भी थोड़ी क्लिप्स देखो। 9:30 बज रहे हैं रात के और खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ सैलड एक लग्जरी है, क्योंकि ये सारी सब्जियाँ यहाँ मिलती नहीं है, मनाली से लानी पड़ती है। और ये कुछ चटनी है और पीछे लोकल बटर, जैसे बता रहे थे कि बटर को काफ़ी सेक्रेट और प्योर माना जाता है। अभी पदम ने खाया था एक खीरे का टुकड़ा, क्या कहोगे पदम उसके बारे में? चिप्स खाने बराबर है, क्रिस्पी, इतना क्रिस्पी है, क्रंची। इस खीरे का पानी सूख गया, उसकी वजह से क्रंची हो गया। और ये आए हैं राजमा चावल, मिक्स राजमा लग रहे हैं, दाल भी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पर ट्रेडिशनली कांसी की थाली में खाना खाया जाता है,
पदम, व्हाट इज द फीडबैक? नाइस नाइस राजमा एट दिस ऑल्टीट्यूड. मुझे लगा इतने अच्छे से पक जाएंगे, बट काफी अच्छे राजमा पके हैं. चलो तो राजमा खाते हैं, बाकी और कोई चीज आएगी तो दिखाएंगे. -17, 18, 19, 20, 21, 22 पता नहीं. एक चीज दिखाते हैं आपको, ये कपड़े सूख रहे हैं, सब कपड़े पजामा. जो बिगेस्ट चैलेंज यहाँ का मुझे अभी तक लगा वो है वॉशरूम जाना, पॉटी करना. ये पानी है और इसके ऊपर की जो लेयर है वो जमी हुई है. खाना खाने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी तो हम तीनों गए और अपने रूम में जाके सो गए. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ जिस होम स्टे पर हम रुके हैं और हमारा रूम कैसा दिखता है. पहले यहाँ से व्यू देखिए आप, तो सूरज की काफ़ी तेज किरणें हैं बट हर जगह बर्फ़ है. ये सामने है यंगनंग ग्लेशियर जो जमा हुआ है, इसके साथ में एक और ग्लेशियर है वो भी जमा हुआ है. ऐसा कुछ दिखता है हमारा होम स्टे. ये एक यहाँ का बाहर का एरिया है, वॉशरूम सारे बाहर हैं, बहुत एक्सट्रीम. और ये बिल्डिंग है, कॉमन एरिया आपने देख ही लिया है तो वो मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा. तो अभी हम सीधा अंदर आएंगे तो शूज आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं अपने, तो हम यहाँ पे चप्पलें उतार देते हैं. दैट्स द इनसाइड, एकदम ट्रेडिशनल घर, काफ़ी पुराना घर है ये. और यहाँ से ऊपर स्टेयर्स से हम अपने रूम में जाएंगे. लकड़ी के सब कुछ लकड़ी का है, लकड़ी की स्टेयर्स और काफ़ी मोटी वॉल्स हैं तो सर्दी से थोड़ा बहुत बचाव तो है ही. ये ट्रेडिशनल लाहौली ड्रेस है. तो सबसे पहले हम इस कमरे में घुसते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है. और फिर ये है इसी कमरे में हमारा कमरा. तो यहाँ पर एक सिंगल बेड है, एक सिंगल बेड यहाँ मैं सोया था, एक डबल बेड यहाँ पदम और राहुल सोए थे. ये हमारी आ गई है बेड टी. और ये हीटर है जिसने थोड़ा दबदबा रात को थोड़ा माहौल ठीक किया. दो मोटे कंबल ऊपर, दो मोटे कंबल नीचे. और व्यू नहीं है कोई क्योंकि सारी खिड़कियाँ जमी हुई हैं. अभी भी रूम में ही हैं हम और हम ले रहे हैं कुछ लोकल लाहौली जुराबे, क्योंकि जो हमारी जुराबे हैं वो हो चुकी हैं फेल और वो हमारे पैरों को गर्म रखने में नाकामयाब रही. तो ये जुराब ले ली हैं. अब नीचे जा रहा हूँ, एक ड्रोन शॉट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे. गाइज आपको ये ड्रोन शॉट्स और ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा और इन दोनों भाइयों की बहादुरी भी पसंद आई होगी कि ये किस तरह से माइनस टेम्परेचर्स में जीप की ओपन जीप में बैठकर आए. तो करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, आगे आपको और दिखाएंगे लाहौल की सर्दी और एक्सट्रीम एडवेंचर्स. देखते रहिए, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. बाय, टेक केयर.